तो हाय एवरीवन, सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर, जोय का मॉइस्चराइजर है। सिंपल मेकअप लोग बता रही हूँ। अगर आप भी कहीं मार्केट वगैरह जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, अगर आपको मेकअप चाहिए हल्का फुल्का, तो आप इस तरीके से कर सकते हो अपने घर पे ही। तो इस तरीके से मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दैन नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा प्राइमर का। तो ये है प्राइमर 7 सीज का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये प्राइमर। तो आप इसको ले सकते हो बिना सोचे समझे, बहुत अच्छा है। आप जो भी प्राइमर का वर्क होता है बहुत अच्छे से करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है इसको लगा के मेकअप करने के बाद। तो प्राइमर को मैंने अप्लाई कर लिया था। प्राइमर लगाने के बाद से यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी अपना कंसीलर एंड फाउंडेशन। तो ये है लैक्मे 9 to 5 का फाउंडेशन, काफ़ी अच्छा है, HD फिनिश देता है। 0 शेड नंबर है 3, और पहले मैंने इस तरीके का यूज़ किया था, वो ख़त्म हो चुका है। अब ये नया पैक मैंने खोला है, तो इसको मैं निकाल रही हूँ और इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। और अच्छे से इस तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा कवरेज देता है। तो इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद से मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर ले ली हूँ, ये भी 7 सीज का है, काफ़ी अच्छा मेकअप फिक्सर है। बहुत अच्छे से लॉक करता है आपके मेकअप को और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो फाउंडेशन अप्लाई करने के तुरंत बाद इस तरीके से मेकअप फिक्सर अप्लाई करोगे आप, तो आपका जो फाउंडेशन है वो ब्लैक नहीं पड़ेगा, केकी नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा, काफ़ी अच्छे से लुक देगा आपका। तो इसके बाद मैंने 7 सीज का ही यहाँ पे 7 सीज का ही मैंने यहाँ पे यूज किया था कंसीलर अपने आईज़ के आसपास, क्योंकि मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है इस टाइम पे। तो इस तरीके से पूरे फेस पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई किया था और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं अपना मेकअप करते टाइम हाथों का ही यूज़ करती हूँ, आप ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश का यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। तो इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। इसके बाद पूरे मेकअप को सेट करने के लिए हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे। कॉम्पैक्ट पाउडर भी हमारा लैक्मे 9 to 5 का होगा। तो मेकअप सेट करने से पहले हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या ढूंढ रही हूँ मैं यहाँ पे, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं 2 दिन पहले हाँ आईब्रो फिल करने के लिए आईब्रो पेंसिल ढूंढ रही थी, बट वो मिल नहीं रहा था। तो मैंने आई शेडो पैलेट में से इस तरीके से ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है एंड अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर दिया है। तो इस तरीके से आईब्रोज को फिल कर लेना है। दोनों आईब्रोज को आईब्रो बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे, क्योंकि आपने देखा मैं 12-1 बजे रात तक काम कर रही थी, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिला। आईब्रो मैंने खुद से बना ली है एंड उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, बहुत ही खूबसूरत सा शेप आया है। तो आप खुद से अगर आईब्रो बनाना चाहते हो तो वीडियो देख लीजिए आई बटन पर क्लिक करके। तो इस तरीके से मैंने आईब्रो को फिल कर लिया था। आईब्रो फिल करने के बाद लैक्मे 9 to 5 का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया था मैंने यहाँ पे, और पूरे फेस को सेट करेंगे इस तरीके से। काफ़ी अच्छा पाउडर है, मैं बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ करती हूँ, बट अभी ख़त्म हो गया था तो मैंने इसको नया लिया था। तो इस तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। मेकअप को सेट करने के बाद से हम लोग लगाएंगे थोड़ा सा ब्लश, क्योंकि ब्लश के बिना जो मेकअप का लुक है वो नेचुरल नहीं आता है। तो ब्लश लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ब्लश लगाना ही लगाना है आपको। मैंने इसको साथ साथ में आवाज़ डाला था, बट क्या होता था कि बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो मैंने इसको शॉर्ट किया, फिर आवाज़ दोबारा से मैं ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने ब्लश भी लगा लिया है, जिससे कि हमारा जो लुक है वो थोड़ा नेचुरल दिखे। आई मेकअप करने का टाइम नहीं था, तो मैंने इस तरीके से आईज़ पे पिंक पिंक कलर का ये आई शेडो ब्लश ही लगा लिया था। उसके बाद मैंने हाइलाइटर लिया है, ये भी हमारा हाइलाइटर जो है वो 7 सीज का ही है, काफ़ी अच्छा लुक देता है और काफ़ी बहुत लॉन्ग लास्टिंग देता है, बहुत ही अच्छा है। मैं इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आईलाइनर लिया है मैंने, ये भी 7 सीज का है। 7 सीज का आईलाइनर है, बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ है और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है और बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होता है गीला होने के बाद। अगर गीला हो जाए आईब्रो, पानी आ जाए आँख में या फिर भीग जाए बारिश में, तो भी आईलाइनर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आईलाइनर को मैंने अप्लाई कर लिया है। आईलाइनर कैसे लगाना है फॉर बिगिनर्स, तो आप देख सकते हो वीडियो, क्योंकि इतना इजीली आपसे नहीं लग पाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आईलाइनर लगा रहे हो या फिर आपको आईलाइनर लगाना नहीं आता है तो आप वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा और अच्छे से पता चल जाएगा आपको कि लाइनर कैसे लगाना है। अगर आप इस तरीके से आईलाइनर लगाते हो लो वाटर लाइन पे भी, तो आपका जो काजल है वो फैलता नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है और आईलाइनर भी काफ़ी प्यारा लगता है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी आईज पे भी आईलाइनर लगाएंगे।
थोड़ा सा लो वाटर लाइन पे मैं नीचे की तरफ चौड़ा कर रही हूँ, इससे क्या होता है आईज बहुत अच्छी दिखती हैं और लाइनर का लुक भी काफ़ी प्यारा दिखता है। तो दोनों आँखों पर मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ से जो भी मेरा ड्राई पैचेस आ गए थे फेस पे गर्मी की वजह से, तो अगर आपके फेस पे भी इस तरीके से मेकअप में हो तो आप ब्रश लीजिए, पाउडर वगैरह नहीं लगाना, बस इस तरीके से मिक्स कर दीजिए, तो आपका जो ड्राई पैचेस होगा केकी हुआ मेकअप वापस से ठीक हो जाएगा। तो ये काफ़ी कमाल की टिप्स थी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि गर्मियों के टाइम पर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। तो आईज के नीचे मुझे थोड़ा सा लाइनर गिर गया था तो उसको इस तरीके से हटा दिया मैंने और फिर कॉम्पैक्ट पाउडर लेके इस तरीके से लगा दिया था। तो मेकअप जो है वो मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। फिर मैं इसको मेकअप फिक्सर से पूरे मेकअप को सेट कर लूँगी इस तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैंने ये वाला लिप शेड लिया है, पिंक कलर है, लाइट पिंक कलर। इस पेंसिल से ही आउटलाइनर से ही पूरा लिप्स को मैं लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, वाटरप्रूफ रहता है, फैलता नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं होता है। इस तरीके से मैंने लगाया था। और हेयर स्टाइल के लिए मैं क्या करूँगी वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो हेयर स्टाइल भी देख लीजिएगा। तो लिपस्टिक को इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है, काफ़ी प्यारा शेड लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल करते हैं, कैसे करना है वो मैं बताती हूँ आपको। उसके पहले हेयर स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हम अपने बालों को करेंगे ओपन, वो वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो हम तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिलता हो एंड मेरी वीडियो आप लोग तक पहुँच पाए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, तो अगर आप लोग के सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से मैंने कम बालों को अच्छे से कॉम कर लिया था और पहले मैंने सोचा कुछ इस तरीके का लुक करने के लिए, बट ऐसा ही हमेशा लुक होता है मेरा, तो इसको मैं चेंज करूँगी। मैं करूँगी साइड से मांग निकाल के इस तरीके से बालों को लूँगी। और गाड़ी आ गई थी हमारे दरवाजे पे और हमको जाना था और मेरे हस्बैंड बाहर से आवाज़ लगा देते, तो मैंने कुछ ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं किया और सिंपली इस तरीके से ये हेयर स्टाइल बना लिया था। एक रबड़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको इस हेयर स्टाइल में, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से साइड मांग निकाल के पफ भी बना सकते हैं, पफ भी काफ़ी प्यारा लगेगा, बट मैंने पफ नहीं बनाया था क्योंकि बहुत वीडियोज़ में पफ वाला लुक बन चुका है। तो इस तरीके से साइड पार्टीशन करेंगे और सारे बालों को अच्छे से कॉम कर लेंगे। कॉम करने के बाद से सिंपली अच्छे से साइड पार्टीशन कर लेंगे। बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे बट अभी ठीक हो गया क्योंकि मेरे बॉडी में हो गई थी आयरन और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी, तो उसको मैं धीरे धीरे कवर कर रही हूँ। जैसे जैसे कवर होगा वैसे वैसे स्किन एंड बालों का जो लुक है वो ठीक हो जाएगा। अभी काम के टेंशन में बहुत ज़्यादा मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी जिससे स्किन हेयर सारा कुछ ख़राब हो चुका था, बट धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा एंड वीडियो आप लोगों के पास जाती रहेगी मैं क्या क्या ट्राई कर रही हूँ कैसे कर रही हूँ सारी चीज़ें। तो वीडियो देखा कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिएगा। इस तरीके से मैंने बालों को कॉम किया था एंड एक रबड़ बैंड लेंगे, रबड़ लगा लेंगे बालों में और लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। रबड़ ढूंढ रही थी मैं, रबड़ मिल नहीं रहा था, फिर मिल गया। मेरी बेटी अपने हाथ में लगा के बैठी हुई थी, मैं जो जो यूज़ कर रही थी आप लोग सामने बैठ के वो भी यूज़ कर रही थी। अब ऊपर से इस क्राउन एरिया से इस तरीके से हेयर को खींच लेंगे जिससे बहुत फ्लैट लुक ना लगे और लुक जो है वो काफ़ी अच्छा लगे। आप इस तरीके का लुक साड़ी सूट के साथ भी, वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी कर सकते हो। हेयरफॉल होने की वजह से मांग प्रॉपर बन नहीं रही थी बट कोई बात नहीं। तो ये मेरा हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो चुका है, फाइनल लुक भी अभी आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पे क्योंकि आज थी रक्षाबंधन, तो हम लोग उनके घर पे गए थे और इस तरीके से हम लोग रेडी होते हैं। मेरी बेटी है और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आगे चल रहे थे, हम लोग पीछे थे। तो हम लोग यहाँ पे गए थे अमरपाली सिल्क एंड जोड़िया, अमरपाली सिल्क एंड अमरपाली जो पता नहीं कौन सी सोसाइटी है। तो यहाँ पे गए थे हम लोग अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पे और ये देखिए ये मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों सेम सेम मैचिंग ड्रेस पहन के जा रहे हैं राखी बंधवाने के लिए अपनी बहन और अपनी बुआ से। तो वीडियो होती है कंप्लीट यहाँ पे, बट थोड़ा सा और है ब्लॉग, वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले थे, गाड़ी से उतर चुके थे एंड अभी मैंने जाने से पहले घर पे मैंने लड्डू गोपाल को अपनी राखी बांधी थी, तो उसका वीडियो मैंने स्टार्टिंग में ऐड करना भूल गई थी। तो यहाँ पे मेरे से माचिस नहीं जल रही थी और मेरा बेटा उसका वीडियो कट नहीं कर रहा था, तो माचिस से पहले दिया जलाएंगे और लड्डू गोपाल को बांधेंगे राखी, उसके बाद फिर राखी का प्रोग्राम होगा शाम तक। तो पहले मैं अपनी नंद के घर गई थी, फिर मैं आई यहाँ पे, फिर अपने भाई के घर आई, फिर हम लोग रात को 11 बजे अपने घर पर आए थे। तो मैंने दिया जला लिया है और यहाँ पर लड्डू गोपाल को मैं टीका लगा रही हूँ।
उसके बाद से सबसे पहली राखी जो थी वो मैंने लड्डू गोपाल को बांधी अपने। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो, हेयर स्टाइल मेकअप सब कुछ पसंद आया हो। थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए। सेकंड चैनल पर भी जरूर जाइए। आपको उस चैनल पर किस टाइप की वीडियो देखनी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ पाऊँ। इंस्टा आई डी प्रीत तिवारी 24 है तो वहाँ पर भी आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, प्रीत तिवारी 24। ओके, चलो बाय बाय गाइस।